हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी रेन्यू में। दोस्तों, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने आरआरबी एनटीपीसी एंड आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के रिगार्डिंग जो भी छात्रों की प्रमुख मांगे थी उसकी पूरी ऑफिशियल नोटिस जारी कर दी है। और देखिए फ्रेंड्स, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आरआरसी ग्रुप डी से न्यू मेडिकल स्टैंडर्ड हटा है या फिर नहीं हटा है। जो यहाँ पे नोटिस में IRMM की बात कही गई है, आखिर ये IRMM है क्या और क्या छात्रों की सारी मांगे यहाँ पे रेलवे ने मानी है या नहीं। तो चलिए पूरी अपडेट देखते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की फिलफिल की अपडेट के लिए। तो फ्रेंड्स, ये रही वो ऑफिशियल नोटिस जो की आज आई थी, जिसका अपडेट मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। और देखिये फ्रेंड्स, रेलवे छात्रों की जो भी मुख्य मुख्य मांगे थी, मैक्सिमम मांगों को रेलवे ने यहाँ पे माना है। और देखिये, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी वाले छात्रों का है कि क्या यहाँ पे नया वाला मेडिकल स्टैंडर्ड हटाया गया है या फिर नहीं हटाया गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले CBT2 की बात करें तो देखिए, आरआरसी ग्रुप डी से CBT2 हट चुका है। सिर्फ सिंगल स्टेज का ही एग्जाम होगा और कोई भी देयर विल नो सेकंड स्टेज एग्जाम, यानी कोई CBT2 अब नहीं होगा ग्रुप डी में। अब यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर ले तो इस पॉइंट में देखिएगा, मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में इन्होंने बताया है। देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल दैट इज IRMM विल बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ लेवल 1, यानी लेवल 1 की जो भर्ती होगी IRMM यानी कि इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल में जो जो पोस्ट है फ्रेंड्स और जो जो उसका मेडिकल स्टैंडर्ड डिफाइन किया गया है उसी के अकॉर्डिंग ही आपका मेडिकल होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इससे काफी सारे छात्रों को यह भी कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं हो पा रहे हैं कि क्या सही में मेडिकल स्टैंडर्ड नया वाला हटा है या फिर नहीं हटा है। तो IRMM के बारे में हम लोग जान लेते हैं फ्रेंड्स, इससे पूरी तरह से आप लोग क्लियर हो जाइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल की ऑफिशियल PDF ओपन कर रखी है, जो कि कई चैप्टर में डिवाइड किया गया है और टोटल फ्रेंड्स यहाँ पे 351 पेजेस में है। अब देखिए, रेलवे के अंतर्गत जितने तरह के भी पोस्ट होते हैं सभी का दोस्तों यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है और किसका क्या क्या मेडिकल चेकअप होगा सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए सीधे चलते यहाँ पे उस पेज पे जहाँ पे पोस्ट वाइज मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है। तो ये रहा पेज नंबर 114 एनेक्सर नंबर 4 पैरा नंबर 510, जिसमें दोस्तों यहाँ पे हर पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड बताया गया है। और देखिए फ्रेंड्स, IRMM में जो भी पोस्ट का जो मेडिकल स्टैंडर्ड मेंशन है इसी के अकॉर्डिंग ही आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन रेलवे जारी करता है, इसी के अकॉर्डिंग भर्ती की नोटिफिकेशन आती है। तो यहाँ पे देखिए, अगर A1 मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो इस तरह से सारे पोस्ट का बताया गया है, ड्राइवर असिस्टेंट लोको पायलट ये सारे का A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड में कौन कौन सा पोस्ट आता है, गार्ड्स, असिस्टेंट गार्ड्स, पायलट गार्ड और भी सारे पोस्ट का। इस तरह से ग्रुप डी की बात करें तो देखिए, यहाँ पे ग्रुप डी का एक पॉइंट्समैन पोस्ट होता है फ्रेंड्स, वो भी A2 मेडिकल स्टैंडर्ड के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद A3 मेडिकल स्टैंडर्ड में कौन कौन सा पोस्ट आता है, यहाँ पे सारा कुछ IRMM में बताया गया है। इसी तरह से देखिए फ्रेंड्स, काफी सारे पोस्ट है। अगर B1 मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें कि कौन कौन से पोस्ट इसमें आते हैं, तो काफी सारे पोस्ट का यहाँ पे भी नाम दिया गया है, इसको भी आप लोग देख सकते हो। और मेडिकल किस किस पोस्ट का क्या क्या होता है फ्रेंड्स, सारा कुछ इस IRMM के जो पैरा है इस सब में बताए गए हैं। देखिए, B2 कैटेगरी में मेडिकल की बात करें तो कौन कौन से पोस्ट आते हैं B2 मेडिकल में, वो सारा कुछ यहाँ पे बताया गया है। इसी तरह से C1 मेडिकल स्टैंडर्ड में कौन कौन सा पोस्ट आता है इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और उसी तरह से C2 मेडिकल स्टैंडर्ड रेफरेंस, उसके बारे में भी यहाँ पे सारी पोस्ट मेंशन की गई है। और इसी इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के अकॉर्डिंग ही आपकी नोटिफिकेशन बनाई जाती है। और जो आपका आरआरसी ग्रुप डी का भी नोटिफिकेशन बनाया गया था फ्रेंड्स, जिसमें पुरानी मेडिकल स्टैंडर्ड मेंशन है, यही IRMM के अकॉर्डिंग ही आपके मेडिकल स्टैंडर्ड हर पोस्ट की दी गई थी। और रेलवे की तरफ से ग्रुप डी के मेडिकल स्टैंडर्ड पे क्या फैसला आया है, देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल IRMM विल बी यूज्ड फॉर डिफरेंट पोस्ट ऑफ लेवल 1, यानी लेवल 1 ग्रुप डी के जितने भी तरह के पोस्ट है और IRMM में जो पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया फ्रेंड्स, उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेडिकल टेस्ट होने वाली है। तो बड़ी अपडेट है, देखिए फ्रेंड्स, नई वाली मेडिकल स्टैंडर्ड हट चुकी है। डायरेक्ट यहां पे ना बोलके इस तरह से बोला गया है कि इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के अकॉर्डिंग जो मेडिकल है उसी के अकॉर्डिंग ही मेडिकल टेस्ट होगा। और जो आपकी आरआरसी ग्रुप डी की नोटिफिकेशन आई थी 2019 में, वो इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल के अकॉर्डिंग ही दोस्तों हर पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड डिसाइड किया गया था। तो पुरानी वाली ही मेडिकल दोस्तों आपकी रहेगी ग्रुप डी में, नई वाली मेडिकल स्टैंडर्ड ग्रुप डी का हट चुका है। तो यहां भी खुशखबरी है। तो क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि आरआरसी ग्रुप डी से नया मेडिकल स्टैंडर्ड हटा दिया गया है। अब देखिए, क्या रेलवे छात्रों की सारी मांगों को रेलवे ने माना है। तो फ्रेंड्स, एक यहाँ पे मुद्दा था, डीबी में 1:1 की जगह यहाँ पे 1.5 गुना छात्रों को बुलाया जाना चाहिए, ये भी एक मुद्दा था फ्रेंड्स, बड़ा मुद्दा था। लेकिन इस नोटिस में देखिएगा, इसके बारे में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है, तो इस बात को नहीं माना गया फ्रेंड्स। और देखिए, अभी डीबी में तो काफी समय है, अभी तो एनटीपीसी का CBE2 भी एग्जाम होने वाला है, आरआरसी ग्रुप डी का तो एग्जाम पूरा का पूरा भी होने ही वाला है। तो हो सकता है कि बाद के दिनों
दिनों में डीवी से पहले मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से कोई यहाँ पे सर्कुलर जारी हो जिसमें यहाँ पे 1.5 गुना में बुलाए छात्रों को, या फिर अगर नहीं भी बुलाते हैं तब भी जितनी वैकेंसी है 1:1 में बुलाते हैं डीवी और मेडिकल में, तो जितनी वैकेंसी है उतने छात्रों को बुलाएंगे। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कि और सीटें खाली रहेंगी तो सेकंड डीवी थर्ड डीवी इस तरह से करके बुलाएंगे जिसमें थोड़े बहुत समय लग सकते हैं। दूसरा एक मुद्दा था आरआरबी एनटीपीसी में लैंग्वेज इशू का भी, कि जो छात्र यहाँ पे इंग्लिश या फिर हिंदी सेलेक्ट कर लिए हैं फॉर्म भरते समय सिर्फ एक लैंग्वेज में उनको पेपर देखने को मिले थे। अब इसका भी कंप्लेन काफी सारे छात्र किए थे, ग्रीवेंस डाले थे, लेकिन इस नोटिस में देखेगा तो इसके ऊपर भी कोई यहाँ पे क्लैरिफिकेशन या कुछ भी दोस्तों अपडेट नहीं दिए गए कि इस पे क्या फैसला आया है। लेकिन हम लोगों ने भी जब बात किया था आरआरबी पटना और आरआरबी मुजफ्फरपुर जोन के चेयरमैन से तो वहां भी इस बात को रखा था और उनके तरफ से यही बोले गए थे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको भी टीसीएस को बता दिया जाएगा कि पेपर कई लैंग्वेज में आने चाहिए ताकि जो छात्र जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग आंसर कर सके। अब देखिए फ्रेंड, जो जो मुख्य मांगे थी वो तो यहाँ पे सब कुछ बताए गए नोटिस में, लेकिन लैंग्वेज वाला इशू के बारे में यहाँ पे नहीं बताया गया। तो देखिए क्या होता है जब एनटीपीसी सीबीटू के एग्जाम शेड्यूल आते हैं, ऑफिशियल मॉक टेस्ट आते हैं, तो उसमें क्या निकल के आते हैं, क्या अदर लैंग्वेज में भी छात्रों को ऑप्शन दिया जाता है या फिर नहीं, वो देखने वाली बात होगी। अब आरआरसी ग्रुप डी की एग्जाम डेट की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स ऑफिशियल एग्जाम डेट इसके जारी हो चुके हैं, टेंटेटिवली जुलाई 2022 में आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे ग्रुप डी के। और इस बार एक बहुत बड़ा बदलाव तो यह किया गया है कि आपका ग्रुप डी का एग्जाम आरआरसी वाइज होने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स टोटल ऑल ओवर इंडिया मिला के टोटल 16 आरआरसी है और इस बार जो एग्जाम होगा हर आरआरसी का अलग अलग होगा। नॉर्दर्न रेलवे का अलग एग्जाम, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का अलग, ईस्ट सेंट्रल रेलवे का अलग, ईस्टर्न रेलवे का अलग, साउदर्न रेलवे का अलग, साउथ वेस्टर्न रेलवे का अलग, इस तरह से अलग अलग एग्जाम होंगे। अब इसका सबसे बड़ा ये फायदा होगा कि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट दोस्तों घट जाएगा। पहले सभी जोन को मिला के मिक्स तरीके से एग्जाम होते थे और इसमें नॉर्मलाइजेशन में काफी ज्यादा उलटफेर हो जाते थे। एक चीज और यहाँ पे बताई गई है कि मैक्सिमम अवेलेबल कैपेसिटी का ये लोग यूज करेंगे, यानी कोशिश इनकी यही रहेगी कि एक शिफ्ट में ज्यादा से ज्यादा छात्रों को बैठाया जाए ताकि यहाँ पे नंबर ऑफ शिफ्ट घट जाए और यहाँ पे जल्दी से जल्दी आपका आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम खत्म हो जाए, स्पीड अप यहाँ पे इसकी भर्ती प्रक्रिया में की जाएगी। और देखिए नॉर्मलाइजेशन भी इस बार होने वाली है कि अगर कुछ जोन में एक से ज्यादा शिफ्ट में एग्जाम होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन का यूज होगा, लेकिन दोस्तों इस बार अलग तरीके का नॉर्मलाइजेशन का यूज होगा, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का यूज करेंगे, विच इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि जो कि समझने में भी आसानी होगी कि आखिर किस तरह से आपके नॉर्मलाइजेशन हुए हैं। तो उतना ज्यादा जो नॉर्मलाइजेशन में डिफरेंस हो जाता था फ्रेंड्स, किसी का 2 नंबर, किसी का -4, किसी का 26, किसी का 30, इतना ज्यादा दोस्तों डिफरेंस नहीं होगा इस बार, क्योंकि इस बार हर आरआरसी का ये लोग अलग अलग एग्जाम लेंगे। तो एक तो नंबर ऑफ शिफ्ट दोस्तों यहां पे कम हो जाएगा और दूसरी बात परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन का यूज करने वाले हैं, यानी फ्रेंड्स पहले की तरह जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला यूज करके नॉर्मलाइजेशन करते थे वैसा नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन में भी दोस्तों ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब बिल्कुल भी आप लोग सीरियसली प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए और फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट बुक पास बाय करनी है उनको देखिए अभी एक बहुत अच्छी डील मिल रही है, यहाँ पे इनके तरफ से 2 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल भी फ्री दी जा रही है, जिसमें आपको 490 प्लस डिफरेंट एग्जाम्स के 36,000 प्लस अपडेटेड मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। और बाय करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करते हो NEW तो तुरंत ही आपको 39 रुपीज ऑफ मिल जाएंगे, यानी फ्रेंड्स 14 मंथ्स वाला टेस्ट बुक पास सिर्फ और सिर्फ ₹360 में बाय कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट अवेलेबल है, SSC, बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो और अपनी सेल्फ एनालिसिस भी कर सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके सारे लिंक्स जरूर चेक कर लीजिएगा।